हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक वाइज शॉर्टिंग ऑफ 15 ईयर क्वेश्चन फॉर यूनिट 8। इससे पहले मैंने अप टू यूनिट 7 तक की बात कर ली थी, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले जाके आप यूनिट 7 तक कवर करिए, फिर उसके बाद आप यूनिट 8 पर स्विच करिए। तो यूनिट 8 में सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो यूनिट 8 है वो है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जिसे हम मेंडेलियन जेनेटिक्स कहते हैं या क्लासिकल जेनेटिक्स कहते हैं। अगर आप देखेंगे कि यूनिट 8 में टोटल 11 सेक्शन होते हैं और हर एक सेक्शन में आप देखेंगे तो 5 to 7 टॉपिक्स होते हैं। तो अगेन अब बात क्या आती है कि इन सारे टॉपिक्स को हम कैसे प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले हम सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसमें आप पढ़ेंगे क्या क्या, मेंडेलियन प्रिंसिपल, कंसेप्ट ऑफ जीन, एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल, जीन मैपिंग मेथड्स, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, म्यूटेशन, स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल अल्टरेशंस इन क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन। तो अगेन टोटल 11 सेक्शन हैं आपको प्रिपेयर करने हैं और टॉपिक्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो टोटल टॉपिक्स जो हैं आपके वो 50 to 55 बनते हैं। अब इन सारे टॉपिक्स को आप कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि सबको प्रिपेयर करना, रिवाइज करना, रिकॉल करना थोड़ा सा मुश्किल है। हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, प्रिपेयर करेंगे हम स्मार्ट अप्रोच के साथ। सबसे पहले हम ऐसे टॉपिक्स को सिलेक्ट करेंगे जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट टॉपिक होते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रिक्वेंट टॉपिक को हम सिलेक्ट करेंगे। फिर हमें क्वेश्चन टाइप्स देखने हैं कि जो हमारी यूनिट इनहेरिटेंस बायोलॉजी यूनिट 8 है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें न्यूमेरिकल आंसर्स टाइप क्वेश्चंस हैं कि एक्सपेरिमेंटल हैं, कि मैच ऑफ द फॉलोइंग है, मल्टीपल स्टेटमेंट है या डायग्रामेटिक क्वेश्चंस है। तो आप देखेंगे जो यूनिट 8 होती है उसमें नो डाउट ये पूछा जाता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एंड डायग्रामेटिक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमें इस तरीके के क्वेश्चंस को सबसे पहले जो है प्रिपेयर कर लेना है। अब हम टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो पहली हमारी कैटेगरी क्या थी, मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक की थी। तो उसमें मैंने यहाँ पर टोटल 9 टॉपिक्स आपको दिए हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। तो आपका पहला जो है वो है लिंकेज एंड मैपिंग। इसमें अभी तक 30 क्वेश्चन हैं, पेडिग्री एनालिसिस 27 क्वेश्चन, माइक्रोबियल जेनेटिक्स 26 क्वेश्चन, क्रोमोसोमल वेरिएशन 26 क्वेश्चन, पॉपुलेशन जेनेटिक्स 16 क्वेश्चन, जीन इंटरेक्शन 14 क्वेश्चन, जेनेटिक्स प्रोबेबिलिटी 13 क्वेश्चन, मिसलिनियस कंसेप्ट 13 क्वेश्चन, मेंडेलियन जेनेटिक्स 12 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक हैं जिनमें टोटल 9 टॉपिक हैं जो आपको सबसे पहले प्रिपेयर करने हैं। और इन टॉपिक से हर एक ईयर कोई ना कोई क्वेश्चन आया है, तो सबसे पहले आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करिए। एंड सेकेंड जो है वो आपका मीडियम एंड लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक है। तो मीडियम एंड लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक में अगेन मैंने 9 टॉपिक को मेंशन करा है। ये कौन कौन से, इनमें जैसे जेनेटिक क्रॉसेस हैं जिनमें 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जीन डाइसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंटेशन 9 क्वेश्चन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस 8 क्वेश्चन, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस 8 क्वेश्चन, म्यूटेशन 8 क्वेश्चन, फिजिकल मैपिंग 7 क्वेश्चन, टेट्राड एनालिसिस 5 क्वेश्चन, सेक्स डिटर्मिनेशन 5 क्वेश्चन एंड एलील इंटरेक्शन 4 क्वेश्चन। इस तरीके से 9 जो आपके टॉपिक हैं वो हाईली फ्रिक्वेंट टॉपिक हैं और 9 जो हैं आपके वो मीडियम एंड लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक हैं। तो इस तरीके से आपके टोटल 18 टॉपिक बनेंगे। तो ये 18 टॉपिक आपको सबसे पहले रिवाइज कर लेने हैं, रिकॉल कर लेने हैं। और प्रिपेयर नहीं करें तो पहले प्रिपेयर करिए, रिवाइज करिए एंड रिकॉल करिए, ठीक। इसके अलावा यदि और भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगी उसमें हम यूनिट 9 के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तब तक आप इन सारे टॉपिक्स को नोट डाउन कर लो, रिवाइज कर लो एंड रिकॉल कर लो। Thank you for the listening.